गुस्सा क्यों हो गया? इतना सीरियस हो गया तो यार मुझे डर लगेगा, ये कोकोनट है नहीं वैसे, नो बट आई मस्ट टेल यू दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग यू नो, या डोंट टेक कोकोनट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट ही इज अ कोकोनट, दैट मींस यू नो दे विल टेक हिम फॉर ग्रांटेड, दे विल से दैट ओके लेट हिम स्क्रीम, लेट हिम इनसाइड हिज शॉप, मे बी इन द नेक्स्ट 10-15 minutes, at this moment he will scream at me, but after 10-15 minutes he will be all okay. Do you ever that scream? That is something which is dangerous. Do you ever scream? Yeah, do you ever scream? Do you ever get angry at your staff? What do you do when you're angry at your staff? Besides... Urdu mein, angrezi nahi. Chale, aap jab gussa aata hai staff pe to kya karte ho? Gussa aata hai to main unko daantta hu. Kaise daant? Gaali deta hu. Kaise? Kaun si? Stop ki gaali dein hai guys. बुरी बात है ना गाली सब नहीं तो आप कह रहे हो देता हूँ ना जब बुरी बात तो सबके सामने देता हूँ उसके सामने बुरी बात तो क्या अलग से ले आए कमरे में गाली देते हैं तो गुस्सा भी तो आना चाहिए वो तो आए हुए हैं बड़ा नहीं बट द पॉइंट इज गाली अकेले में देते सबके सामने देते हैं वो फिर जब गुस्सा आता है तो नहीं देखता हूँ अकेले में तो ह्यूमिलिएशन जो सबके सामने उस बच्चे की होती है उसके बाद वो क्या करता है उसके बाद वो बोलता है निकी साहब पागल आदमी है लेकिन दिल का अच्छा है क्योंकि मुझे सब जानते हैं तो माफ कर देता कितनी दफा माफ प्यार करता हूँ वो तो वो बताएगा ना नहीं आपने कोई ऐसा है जो कि आज तक गया हो सिर्फ इसलिए कि वो आपने उसको ह्यूमिलिएट कर दिया हो उसने कहा भाई मैं नहीं अपसेट हुआ कोई नहीं गया आज तक डांट खा के कोई नहीं गया 22 साल में कोई नहीं गया उसका मेरे ख्याल से जो रीजन है वो ये है कि जो भी शख्स कोई गलती करता है उसको उस चीज का एहसास हो जाता है कि यस मैंने गलती की है वरना कोई भी अपनी ह्यूमिलिएशन बिला वजह के नहीं अच्छा कोई कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपने किसी को डांटा और बाद में आपको एहसास हुआ कि शायद मैंने गलत किया बहुत दफा हो कि इसकी गलती नहीं थी तो आप क्या करते हैं अगर मुझे एहसास होता है हाँ सरकार को नहीं था इंटरव्यू अच्छा नहीं कभी कभी तो इंसान को पता नहीं चलता है जब एहसास मुझे होता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कोशिश करता हूँ कि वक्त जाया करने से पहले जो है उससे माफी मांगूँ उसको प्यार करूँ उससे उसके लिए कंपनसेट करूँ अच्छा एक बात पूछना चाहूँ आंखों में कभी आंसू आ जाते हैं कभी आपको महसूस होता है कि मैंने किसी के साथ नाहक दिया दिया वो कोकोनट वाली बात बिल्कुल सही थी वो पानी ला रहे थे नहीं नहीं सही है अच्छा बस आप वो किसी ने रोज आ जाए करो इंटरव्यू लेने के लिए अभी तो ये इंटरव्यू का तोहफा आया है वो ना ना लाल से किया इतफाक से यू नो मैंने कॉल किया मेरे बेटे और बेटी को मैंने कहा कि भाई अब आ जाओ मुझे लेने के लिए वो मुझे ड्रॉप करके कहीं चले गए शी इज द यंगेस्ट एप्पल ट्रेनर इन द वर्ल्ड एक तो ये हो गया दूसरा ये है कि शी मेक्स कॉर्पोरेट डिसीजंस जब आप इनसे बात कर रहे थे ना उस समय मेरे जहन में ऐसे ही आया मैंने कहा मे बी शी कैन हेल्प यू आउट टू मेक दिस वीडियोस फॉर आवर नाम रशी डज दैट Anyway, interview. Now, the question is, I have had many people, I've asked many people who have worked for you, and they never complain. That, you know, they always admire that, okay, you know what, we missed it, we had to change our job, but we still miss barbecue tonight, or we miss barbecue delight, we miss those people there. ठीक है मिस करते होंगे लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ बॉस को बुरा कहते हैं लोग अच्छा नहीं कहते और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे ख्याल में ज्यादातर बॉसेस की ख्वाहिश होती है कि कोई भी उसको बुरा ना समझे ज्यादातर की होती है कम से कम कुछ की नहीं भी होती होगी उसका क्या राज है कि वो आपको जाने के बाद भी याद रखते हैं और आपके गम में डूबे रहते हैं जिस तरह वो स्टीफन गुड डूबे हैं उसकी वजह है कि मेरा जो जिंदगी का ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट में गुजरा है समझे तो ये एक मेरे लिए घर से ज्यादा मैं इधर जागा हुआ टाइम गुजारता हूँ तो ये मुख्तलिफ लोग हैं वो समझते हैं कि ये हमारा वर्क है बिजनेस है इससे सिर्फ पैसे निकालना जो है वो मकसद है वो कम अकल वाली काम क्योंकि हमारे तो जिंदगी है जो जहाँ
जिंदगी जो है वो वक्त है, सही, वो चीजें नहीं है। तो जिंदगी जो है ये, तो सब खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँ। अभी मैं अकेला आगे गुस्से में बैठ जाऊं और कोई मेरे नजदीक नहीं आए, वो तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर। मुझे तो हर वक्त लोग चाहिए, लोग चाहिए, गपशप चाहिए, काम होता रहता है, काम मुझे अच्छा चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है काम की, मुझे काफी काम की समझ है, तो वो मैं, मेरे को जो आता है मैं इनको समझाता रहता हूँ, वो उस तरह करते रहते हैं, खुशी खुशी इनके मसलेर करता हूँ, उनसे गपशप लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है ना। अब इसके बाद मैं 3 बजे जाके सो जाऊंगा, 4 बजे 4:30 बजे उठूंगा, रोइंग पे आके वापस आके सो जाऊंगा, फिर 1-2-3 घंटे उठूंगा, फिर लंच पे चला जाऊंगा, फिर वापस। तो अगर आप देखें जो मेरा जो जितना मैं जागता हूँ उसमें मेरे ख्याल में 75% जो है मैं रेस्टोरेंट पर रहता हूँ। अगर वही जो है वो अच्छा एटमोसफेयर नहीं होगा तो फिर तो इसका मतलब है मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है। तो उसको अच्छा करने के लिए जो है वो, आपके ख्याल में लोग नाला क्यों होते हैं, नाराज क्यों होते हैं? बहुत नाराज जो है ना, सबसे पहले नाइंसाफी से होते हैं। अगर ये आपसे बहुत काबिल है, ठीक है, और इसको आप जो है वो 10 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, 10 लाख दिरहम, और आप जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं आता आपको, आपको 11 दे रहे हैं, नाखुश हो जाए, ठीक है। हालांकि हर चीज जो रेलेवेंट होती है, अगर आप इंसाफ करेंगे, बाज़ार आप तो इंसाफ करते हैं लेकिन वो समझता है कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, हाउ डू फिक्स दैट? फिर वो लगाता हूँ जूता उसको, वो समझ जाता है। फिर बाकी लोग मेरे सपोर्टर हैं ना, वो उसको समझाते हैं। अगर फर्ज करे मैं एक आदमी के इनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉई है, और ये लोग सारे मुझे बताते हैं क्योंकि मेरे दोस्त हैं कि आपने वो गलत किया, तो फिर मैं अपना डिसीजन वापस लेता हूँ। और अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा डिसीजन सही है तो मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ यार मैंने ये इस वजह से किया। और ये कन्विंस ना हो तो? कन्विंस नहीं होते तो वापस ले लेता हूँ। अगर फिर भी आप जानबूझ के, आप जानते हैं कि ये डिसीजन आप गलत ले रहे हैं, इनकी कन्विंसिंग के साथ वापस कन्विंस हो जाते हैं? अगर मैं डिसीजन गलत ले रहा हूँ और ये कन्विंस नहीं होते तो क्या करते? उसमें तो मैं गधा हूँ, तो फिर अगर ऐसा करता होता तो सब मुझे नापसंद करते। नहीं नहीं, पहले तो आपने इनको ये मौका दिया कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है। भाई मैंने ये डिसीजन लिया गलत, ठीक है ना, ये मुझे बताते हैं कि गलत है तो मैं वापस ले। नहीं, लेकिन देखें आप ये बोल रहे हैं ना कि ये मुझे बताते हैं, वो ठीक है बताते हैं, लेकिन आपने मौका भी दिया इनको बताने का। आपने इनको मौका भी दिया है बताने का, वरना कोई जो है बॉस के डिसीजन के ऊपर खामोश रहते हैं दूसरी कंपनीज में। लेकिन यहाँ अगर आपको कोई बताता है, इसका मतलब ये है कि आपने उनको इतना ओपन, यानी वो एक एक किस्म की फैसिलिटी दी हुई है कि अगर बहुत, मैं बहुत स्मार्ट है, बहुत तरीके से बताते हैं। वो तो बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन आपने उसको ऐसा जो कर दिया तो बताते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोलते कि आपने गलत किया। तो मैं बताता हूँ यार काशी को इस वजह से किया कि वो ऐसे ऐसे था डिप्लोमेटिक। हाँ, तो फिर बोलते हैं हाँ इसको समझ में आएगा तो फिर, लेकिन अगर नहीं आएगा तो एक और आर्ग्यू करेगा। अच्छा, ये वो 2-3 दिन तक वो आर्ग्यूमेंट चलेगा, फिर उसके बाद काशिफ साहब मुझे फोन करके बताएंगे सर आपने जो फैसला लिया था वो सही नहीं था। मैं बोलूंगा ठीक है, फिर उसको वापस कर देते हैं, बस वापस कर देते हैं। इवन दो कि आप अगर राजी ना भी हो, आप एग्री नहीं भी करते कि वो डिसीजन आते हैं, यू थिंक कि काशिफ को डिसीजन को लेने दो? अब या आप काशिफ को आपको बताएगा इधर आ जाओ, उर्दू जियो टीवी पे आने ही वाले और वहाँ उर्दू का चैनल है। सर जी, असल में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरे को लगता है कि निकी साहब जो है ना इज अ ब्लेस्ड बाय गॉड, मतलब खुदा का इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये एक ईमानदार आदमी है, मेहनती और इंसान। यार मस्का काम पॉइंट पे, डिसीजन अगर आपने, इन्होंने गलत डिसीजन लिया किया और हमें समझ में नहीं आया तो हम मौका देते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त आने से खुदा खुद ब खुद ही हमें और इनके दरमियान में जो चीजें हैं वो सेटलमेंट कर देंगे। वेट इट आउट, इंतजार करो। हाँ, हम वक्त पे छोड़ देते हैं, जब देखते हैं मिकी साहब का गुस्सा बहुत थोड़ा और वो वक्त जो है गुजरने के साथ साथ, क्योंकि हमें पता है कि मिकी साहब जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर कहीं मिस्टेक होती कुछ हो भी जाता है तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ही चीजें सेट होनी शुरू, क्योंकि हमारे दरमियान एक बहुत ही गहरा रिश्ता कनेक्शन, सवाल से प्यार करते हैं, हम इससे प्यार करते हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए करते हैं और हम पॉइंट से बाहर नहीं जाइए। सवाल ये था, बेहतरी के लिए सब कुछ करें। सवाल ये था, इन्होंने एक डिसीजन लिया, आपने कहा कोई भी डी गलत ये सही, उसके बाद आपने कहा कि नहीं मिकी भाई ये आइडिया सही नहीं है,
तो मिकी भाई अपना डिसीजन वापस ले लेंगे आपके कहने की वजह से या नहीं लेंगे? हालांकि ये समझते हैं कि वो डिसीजन सही है जो उन्होंने लिया, यानी मुझे मारा चमाट सही मारा, लेकिन आपने कहा भाई नहीं इसको नहीं मारना चाहिए था। अगर हम आप कन्विंस नहीं होते तो फिर क्या होता? नहीं होते तो फिर एक और चमाट इसको भी मारते मारते नहीं कर, यानी इसका मतलब वो डिसीजन वापस नहीं जाता और ये चमाट भी होती, लेकिन सिर्फ फिर वक्त को देखते। लेकिन मोस्टली ऐसा हुआ है कि इनके जो बहुत सारे पैसे, जैसे अभी आपने बोला कि हमें लगा है कि ये यहाँ खेल, लेकिन हम चुप गए, लेकिन वक्त के बाद हमें पता चलता है कि यार जब वो वक्त आता है हार कौन मानता है, आप या वो? मैं बता रहा हूँ कि जब वो वक्त आता है तो हमें महसूस होता है कि विकी साहब यहाँ पे ठीक थे उस वक्त। देखो सवाल मैं दोबारा बता दूँ, वो तो डिसीजन बॉस ही है ना, डिसीजन इनका काम है, ये डिसीजन अपनी वापस आपकी से लेंगे नहीं लेंगे। अगर हम इनको कन्विंस करते तो इनको लगता है कि ये ठीक है, ये मान लेते हैं। सही, चलो ये जवाब नहीं आ रहा, ये इंटरव्यू मास्टर कि आपको क्या महसूस होता है 10 डिसीजन इन्होंने लिया पर्सनली, 10 में से कितने डिसीजन आपको लगते हैं इन्होंने सही लिए? 11। मेरे को तो 10 के 10 ही सही लगे। तो वो ऐसा कब मौका आता है कि जब आपको जो है इनको कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है कि भाई आप जो ये डिसीजन लिया आपने सही नहीं है? अगर 10 के 10 ही सही है तो ऐसा कब, कोई ऐसा क्या मौका, कोई एक आप मुझे